आशुतोष मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, देखिए 11 बजे बजट भाषण की शुरुआत होगी, वित्त मंत्री पांचवी बार बजट पेश करने जा रही हैं। एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त है, इस बार भी लोगों की उम्मीदें काफी ज्यादा हैं इस बजट को लेकर, लेकिन आम जनता जो इस वक्त पेट्रोल और डीजल की मार से जूझ रही है, और बड़ी चुनौती इस वक्त सरकार के लिए महंगाई दर को काबू में रखना भी है, और ये बात साफ तौर पर आर्थिक सर्वेक्षण में सामने भी आई है कि लगातार प्रयासों के बावजूद भी ये महंगाई दर नियंत्रण में नहीं आ पा रही। दरअसल नेहा, यही चिंता पूंजीपतियों की भी है, कॉरपोरेट्स की भी है कि अगर आप महंगाई को कंट्रोल में नहीं लाते हैं तो कहीं ना कहीं जो पर्सनल एक्सपेंडिचर है, जो कि ये सर्वे दिखाता है कि पर्सनल एक्सपेंडिचर बढ़ा है, और अगर ये बढ़ता है तो इसका मतलब लोगों की जेब में पैसा धीरे धीरे आना शुरू हुआ है, लोग खर्च कर रहे हैं, खर्च करने की ताकत बढ़ रही है। लेकिन अगर महंगाई काबू में नहीं होती है तो जाहिर है उस पर असर पड़ेगा, और अगर वो पूरा सिस्टम आप समझती है कि पूरी वो अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाएगी, तो हो सकता है कि शायद इसको कंट्रोल में करने के लिए वित्त मंत्री कोई बड़ा ऐलान कर दें। हाल ही में हरदीप पुरी का एक बयान आया था कि अगर तेल कंपनियों ने अपना घाटा पूरा कर लिया हो तो उनको सोचना चाहिए कि क्या कीमतों में राहत दी जा सकती है, और अगर ये बयान उनकी ओर से आता है तो हम ये जरूर अंधकयास लगा सकते हैं कि बजट में भी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर एक राहत मिल जाए। लेकिन सबसे बड़ी जो बात होगी वो आपको मेरे जैसे मध्यम वर्गीय जो तनख्वाह वाले क्लास के लोग हैं, जिनकी हर बार उम्मीद होती है कि थोड़ी तो राहत दीजिए वित्त मंत्री साहब, थोड़ी राहत मिलेगी, हमारी जेब में पैसा आएगा, हम घर में थोड़ी रखेंगे, हम भी खर्च करेंगे, हमारे खर्च करने की भी ताकत बढ़ेगी। तो ऐसे लाखों जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो नौकरी पेशा वर्ग है, उसकी उम्मीदें इस पर है कि क्या कम से कम जो पहला टैक्स का स्लैब है उसको अगर कम किया जाता है वहां पर कुछ राहत मिलेगी तो थोड़ी सी बचत बढ़ेगी। इसके साथ साथ बचत योजनाएं हैं उस पर क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा पीपीएफ को लेकर के, तो कुल मिलाकर के दरअसल सब कुछ ऐसी नजर पे है कि चुनावी राज्य मान लीजिए जो चार राज्य हैं ये चारों ग्रामीण बहुल राज्य है, वहां पर आपने लघु उद्योग के लिए कुछ दे दिया, वहां पर ग्रामीण आबादी के लिए दे दिया, लेकिन जो इनकम टैक्स पेयर है जो सीधे प्रत्यक्ष कर देता है उसके लिए क्या कोई राहत मिलती है, और अगर उसको मिलती है तो छोटे शहरों को ग्रामीण आबादी को क्या फायदा मिलता है। लोगों की जेब में पैसा आएगा, लोग खर्च करेंगे, पूरी अर्थव्यवस्था बूम करेगी। इसीलिए उम्मीद है कि आज जब निर्मला सीतारमण अपना पांचवा और खासकर इस सरकार का आखिरी पूर्ण बजट पेश करेंगी तो क्या क्या राहत हमें मिल सकती है। नेहा, लेकिन ऐसा नहीं है, आशुतोष के अंतरिम बजट में भी महत्वपूर्ण घोषणाएं नहीं की जा सकती है। बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, और जफर जी हमेशा की तरह इस बार भी गगन चुंबी घोषणाएं होंगी या फिर एक तरीके से यहां पर सामंजस्य बैठाने की कोशिश की जाएगी कि कैसे आपकी सरकार जानबूझ के चेन खोल गया पूरी, उसका जो घाटा है ना पाटने की कोशिश करेगा, या फिर मध्यम वर्ग की जेब में कुछ रुपए डालने की कोशिश करेगा ये इनकम टैक्स में राहत के तौर पर। देखिए नेहा जी, बजट का जो मकसद होता है देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करना और उसमें तेजी गति लाना और देश की जनता को और मजबूत करना, ये सब चीज़ को ध्यान रखते हुए मुझे लगता है कि जो सवाल आपने पूछा मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो, सभी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। लेकिन दो अहम बातें हैं जो आपने कहा, खर्चा कम करने की या जो पैसे बचाने की, कर्जा कम करने की, तो हमारे सरकार की कोशिश रहती है और बराबर से रहता है कि फिस्कल कंसोलिडेशन होना चाहिए। फिस्कल कंसोलिडेशन होगा कम से कम 50-60 बेसिस पॉइंट, पिछले बार 6.4 था, इस बार मुझे लगता है टारगेट 5.8-5.9 के तरह होना चाहिए। उसके अलावा जो गांव देहात जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट होने की संभावना है, इसलिए कि आज जो फोकस होना चाहिए बजट का, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें गांव ग्रामीण इलाका ज़्यादा होना चाहिए। उसके अलावा जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो बड़ा होगा, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था ये खाई कम कैसे होगी। जफर इस्लाम साहब, ये आप एक्सपेंडिचर गिना रहे हैं कि यहाँ एक्सपेंडिचर होगा वहाँ एक्सपेंडिचर होगा, इनकम कहाँ से आएगी? फिर एक बार आप मिडिल क्लास के से ही इनकम लेंगे सारी, या फिर उनके ऊपर ही सारा भार डालेंगे इनकम टैक्स के तौर पर, मुझे लगता या फिर जीएसटी बढ़ाएंगे या फिर जो भी तमाम अन्य दूसरे। दो तरह से होता है, देखिए दो तरह से हो सकता है, एक तो पॉलिसी मेजर से जो पूरे समाज के लोगों को, वर्ग को, उस वर्ग के बारे में जो आप कह रहे मध्यम वर्ग के लोगों को फायदा हो सकता है। दूसरी बात जो है, जो आपने कहा सैलरीड क्लास को, सैलरीड क्लास जो है 7 करोड़ लोग जो रिटर्न फाइल करते हैं उसमें सिर्फ मात्र 140 करोड़ में की आबादी में सिर्फ 1.5 करोड़ लोग जो है इनकम टैक्स देते हैं। उन 1.5 करोड़ लोगों में जो नीचे वर्ग, जो बहुत कम जिनकी तनख्वाह है, शायद मुझे ऐसा लगता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको ज़रूर कुछ ना कुछ इस बार टैक्स में रिलीफ मिलने की संभावना है। लेकिन पॉलिसी मेजर जब लेते हैं किसी इसके लिए, तो उसमें सिर्फ सैलरीड क्लास नहीं,
बल्कि पूरी उस वर्ग के पूरे लोग जो है उसमें संपूर्ण तरीके से जो है उनको लाभ होता है। इसलिए मुझे लगता है कि सबके लिए कुछ न कुछ इस बजट में होगा, और खास के मध्यम वर्ग के लिए, मिडिल क्लास के लिए, जो लोअर मिडिल क्लास और जो मार्जिनल क्लास के लिए बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए कि बजट का एक लक्ष्य होता है कि जो गरीब आदमी है, जो खास के गरीब, जो इसको लोग कहते हैं आम आदमी, हमारे लिए वो खास आदमी होता है, हम उसको खास आदमी मानते हैं, हमारी सरकार की नज़रों में वो खास आदमी है, इसलिए कि हम उनकी ज़्यादा चिंता करते हैं।